यहाँ पर जो ध्यान आकर्षण पर आधारित तकनीक से हैं 18 तकनीक से हैं, उनमें से दो बार 6-6 प्रशिक्षण के लिंक जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से दूसरे 6 यानी कि 7 से लेकर के 12 तक का प्रशिक्षण वर्तमान में रनिंग में है और ये 31 अगस्त तक पूरे करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करेंगे और ये लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके प्रशिक्षण कंप्लीट कर लें। तो सीधे चलते हैं आकलन प्रश्नोत्तरी पर। तो यहाँ पर ये कंटेंट जोड़ी में कार, तो ये जो तकनीक नंबर 11 है जोड़ी में कार, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी है। 10 प्रश्नों को हम लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न हो। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, जोड़ी में कार्य में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य जिम्मेदारी। नंबर 1 है गतिविधि का उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम का निर्धारण, जोड़ी बनाने का मापदंड तय करना, जोड़ी के सदस्यों की भूमिका का निर्धारण एवं उनका आकलन करना, और जोड़ी के कम सक्रिय सदस्य को विषय पर आधारित करने तथा विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ये सभी सही है पॉइंट, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न लेते हैं, जोड़ी में कार्य के दौरान शिक्षक। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 में से जो सही विकल्प है वो ये है कि तीसरा वाला विकल्प से कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में 4 पॉइंट हैं। किसी भी पाठ्यांश या प्रकरण पर चर्चा कर रहे होंगे, उत्तरों की जांच कर रहे होंगे, किसी विषय के बारे में एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे होंगे और उनके अर्थों की खोज कर रहे होंगे, किसी योजना का निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी ये चारों सही हैं, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। आगे एक और प्रश्न है, बिना बच्चे निसंकोच और सहजता से अपनी बात कह सकें, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को कार्य करने के अवसर दिए जाएं। तो जोड़ी में कार्य करने के अवसर दिए जाएं, यहाँ चौथा विकल्प सही है। जोड़ी में कार्य के दौरान बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, विचार विमर्श चिंतन, तो ये उपर्युक्त दोनों विकल्प सही है। यहाँ क्लिक करेंगे, बच्चों को जोड़ी में कार्य करवाने से क्या होता है, ये उपर्युक्त जो बच्चे होते हैं जोड़ी में जब विकार करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ये काम समय की बचत होगी, सीखने सिखाने की गति तीव्र हो जाती है और गणित से अधिगम प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाती है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न है, जोड़ी में कार्य करवाया जा सकता है। तो ये सभी विषयों पर जोड़ी में कार्य करवाया जा सकता है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो और चाहे सामाजिक विज्ञान हो। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, परस्पर जोड़ी में कार्य करने के परिणाम स्वरूप बच्चे। तो ये जो बच्चे होते हैं वो पहला विकल्प सही है, अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ी में कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं, तो कैसे कार्य आवंटित करते हैं। देखिए, विषय तो एक ही होता है, सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित, लेकिन कार्य अलग अलग दिया जाता है। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, जोड़ी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला उसमें होना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी कार्य डिले ना हो पाए। आगे चलते हैं, इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप रिजल्ट 100% पाएंगे। यदि आपका रिजल्ट कम रहता है तो रेड बटन क्लिक करने के बाद में प्रश्नों के उत्तर आप दोबारा दे सकते हैं।